अब हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि है मेष राशि और शनि की साढ़े साथी के बारे में, कि भाई मेष राशि की और शनि की साढ़े साथी कब शुरू होगी और इसका फल क्या होगा और क्या आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, जिसको आप पूरा देखिए और आपको हम कई चरणों की जानकारी इसमें देंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, तैयार हो जाइए एक कठिन यात्रा के लिए। ये यात्रा वाकई में एक अलग तरह की यात्रा है, जो आपको बॉय टू मैन वाली जर्नी पे लेकर के जाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं, इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ लेकर के जाती है। लेकिन ये यात्रा ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह से। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। और हमने जो अपना बेस ईयर लिया है, वो हमने लिया है 1990, यानी कि जिनकी भी जो है, मतलब यहाँ पर जो साइकिल है, वो 95 में आपकी, 95 से लेकर के और 2003 तक पिछली साइकिल एक आपकी जा चुकी है, विशेष तौर पे जिनका जन्म 90 के बाद हुआ है, ठीक है। और जिनका जन्म 90 से पहले हुआ होगा, 95 में से 95 में 30 जो 30 घटा लीजिए, तो उतने पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पर हम जो है, जब हम चलते हैं यहाँ पर आगे की तरफ, तो हमको यहाँ पर कई प्रकार के और भी फल मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1995 से लेकर के और 2003 के बीच तक ये आपकी पहली जो है साइकिल आपकी जा चुकी है। जो लोग 90 में पैदा हुए हैं, उनके लिए जो है ये 5 साल की उम्र से शुरू हुई होगी, और जो उसके पहले शुरू हुए, जो उसके पहले पैदा हुए हैं, उनके लिए संभवतः दूसरी होगी, या फिर जो है उनकी युवावस्था में शुरू हुई होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से, अब जो है हमारे पास में नेक्स्ट जो आने वाली है आपके लिए दशा, वो है 2025 से लेकर के और 2032 तक। जैसा कि हमने जो है आपके लिए इसके स्क्रीन पर भी लिखा है, और जो है हमने थंबनेल पर भी लिखा था, जो कि 29 मार्च 2025 से शुरू होगी और 30 मई 2032 तक ये दशा आपके साथ रहेगी। ये शनि की साढ़े साथी है, जिसमें जो है ढाई ढाई साल के तीन चरण होंगे आपके लिए। एक होगा 2025 से 2028 तक, सॉरी, एक होगा 2025 से लेकर के 2027 तक, और एक होगा 2027 से लेकर के 2029 तक, और फिर लास्ट होगा 2029 से लेकर के 2032 तक। तो ये ढाई ढाई साल के जो है ये आपके चरण यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब ये जो है 2025 से लेकर के और 2028 के बीच में ये चढ़नी शुरू होगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं, ट्रबल विद ट्रबल इज इट स्टार्ट्स विद फन, परेशानी के साथ परेशानी ये है कि वो मजे से शुरू होती है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद ये है। तो यहाँ पर ये 2025 में बिल्डअप होनी शुरू होगी आपके लिए। और अभी अभी जो है हमारे पास 2021 चल रहा है, और 2021 से लेकर के 2025 तक का समय, यानी कि जो आने वाले 3 साढ़े 3 4 साल हैं अभी आपके पास अपनी तैयारी करने के लिए। क्या तैयारी करनी है और क्या उसके बीच में करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट सुनते रहिए कि इसमें क्या होने जा रहा है। तो 2025 से लेकर के 2028 तक ये जो है चढ़ेगी बिल्कुल, ठीक है। और ये इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ढैया, कि पहला ढैया ये है। दूसरे समय में, दूसरे में ये जो है पीक पर होगी, और ये जो है मेष राशि में जब ये पहुंचेंगे, तो ये जो है 2027 से लेकर के 2029 तक ये अपने पीक पर होगी। और नेक्स्ट होंगे आपके जो है टॉरस, वृषभ के अंदर जब ये आएंगे, तब जो है ये 2029 से लेकर के और 2032 तक ये आपकी उतरने की दशा होगी, ठीक है। चढ़ने की हो गई, पीक की हो गई, एंड उतरने की हो गई। तो ये तीनों दशाएं
सात होंगी, तीनों जो है तीन चरण होंगे इसके। अब 2025 में जब आप होंगे तो आपको धीमे धीमे यहाँ पर शनि का प्रभाव मालूम होना शुरू होगा। आपकी कुंडली में शनि महाराज की कुंडली, शनि महाराज की स्थिति कैसी भी हो, उससे कोई खास कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी अपने ही हिसाब से चलती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों के मत सुने हैं कि भाई यहाँ पर है तो ये वाला योग बनता है और यहाँ पर है तो ये वाला योग बनता है और उसकी वजह से जो है आपकी शनि की साढ़े साथी कैंसिल हो जाती है या फिर ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि की साढ़े साथी में या शनि की साढ़े साथी के बारे में कोई भी आपको कुछ भी बोले, ठीक है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, कोई भी कुछ भी बोले, जो ये बोलता है कि ये आसान दशा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। और अगर कोई ये बोले कि बहुत ज़्यादा कठिन दशा है, वो भी झूठ बोल रहा है। तो ये दशा जो है कठिन तो है, लेकिन उतनी कठिन नहीं है जितना इसको समझा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है पहला यहाँ पर चढ़ना शुरू जब ये होगी 2025 में, तो आपको यहाँ पर एक अलग तरह की अनुभूति होगी। यहाँ पर आपको तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल और शनि के बीच में कुछ खास कुछ हिसाब किताब बनता नहीं है, लेकिन अगर शनि की साढ़े साथी में अगर आपकी कोई भी महादशा चल रही हो, उसका भी फल यहाँ पर आपको, दोनों का फल मिलेगा आपको। एक शनि की महादशा में आपको जो है, चाहे आप किसी भी स्टेप में हो, चाहे आप किसी भी ढैया में हो, चाहे पहली में हो, दूसरी में हो या तीसरी में हो, जब जब राहु आएंगे आपको जो है प्रॉब्लम देंगे वो। दूसरे एक और ग्रह हैं, जब जब वो आएंगे, चाहे वो महादशा में आए चाहे वो अंतरदशा में आए, जब भी सूर्य आएंगे वो भी आपको पेन देंगे। ये दो ग्रह जो है आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दर्द का कारण बनेंगे। बाकी के जितने ग्रह हैं उनका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ प्रभाव नहीं मिलेगा आपको, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ आपको मिले कि भाई बहुत ज़्यादा कठिन हो गया या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, उसमें जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी रही बात शनि की साढ़े साथी की, इन तीनों ढैयाओं में से, तीनों पार्ट में से, यानी कि 2025 से लेकर 2028 तक, सॉरी 2025 से 2027, 2027 से 2029 और 2029 से लेकर 2032 तक, ये तीन जो चरण हैं इनमें से कोई भी एक चरण आपके लिए थोड़ा सा हैवी होगा। ठीक है, अब उस हैवीपन से छुटकारा आपको कैसे मिल सकता है, कि भी जिससे जो है सब कुछ आसान हो। पहली चीज़ तो ये है कि आप ये मान करके चल लीजिए कि शनि महाराज जो है वो न्याय के देवता हैं, और वो न्याय करते हैं, जो भी जैसे भी कर्म आपने किए हैं उसका फल देंगे आपको। लेकिन मैं मेष राशि वालों को, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चंद्र राशि के हिसाब से है, और जो जो मेष राशि वाले होते हैं वो बड़े थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, और वो ग्रो नहीं करना चाहते लाइफ में। वो शनि के साढ़े साथी के बाद, गुजरने के बाद, वो फिर से अपने उसी रूप में आ जाते हैं, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जर्नी आपको अलग अलग तरह के रोलर कोस्टर राइड है, ये एक तरह की, जो आपको अलग अलग तरह के अनुभव कराएगी और डीप अनुभव कराएगी। अगर आपने उनसे सीख ली तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब भी शनि में सूर्य आएंगे, थोड़ा सा जो है वाद विवाद अपने से बड़ों के साथ में होगा। ठीक, और जब भी जो है राहु आएंगे, थोड़ा सा मति भ्रम वहाँ पर हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली तौर पे, विशेष तौर पर आपको वो पीरियड ध्यान रखने की ज़रूरत है शनि की साढ़े साथी में, जब शनि की साढ़े साथी चल रही हो और राहु की अंतरदशा या महादशा चल रही हो और उसके अंदर वीनस चल रहा हो, यानी कि शुक्र चल रहा हो, तो उस केस में जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो है संबंधों को ख़राब करते हैं। दूसरा क्या है कि जो शनि की साढ़े साथी में जो भी लव अफेयर्स बनते हैं, जो भी प्रेम संबंध होते हैं, वो बहुत ही जो है कम सफलता तक पहुँचते हैं। हमको शनि की साढ़े साथी में जो पेन मिलता है वो अपनों से ही मिलता है, कोई और कोई पेन जनरेट करने की संभावना बिल्कुल नहीं रखता। उस केस में क्या होता है कि जो हमको सहारा मिलता है वो उनसे मिलता है, जो ना ही हमारे सगे संबंधी हैं
और जो कि जो ना ही हमें जानते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध बनते हैं, लेकिन वो संबंध शनि की साढ़े साथी तक ही रहते हैं। शनि की साढ़े साथी खत्म होते होते वो भी जो है खत्म होने लगते हैं। तो पहले ढैया में जो है ये चढ़ती है, चढ़ेगी 2025 से 2027 तक, 27 से लेकर के 29 के बीच में ये जो है पीक पर होगी, और फिर ये उतरना शुरू करेगी 29 से लेकर के 32 तक। जब ये उतरेगी तो आपको जो है अच्छे फल दे करके जाएगी, ठीक है। शनि महाराज जाने से पहले आपके लिए बिल्कुल आपके जीवन को सुरक्षित और सेफ और बिल्कुल सुखद करके जाएंगे। आपको दुखी करके नहीं छोड़ के जाने वाले शनि महाराज, आपको सुखी और खुश हाल में छोड़ करके जाएंगे अगले 30 सालों के लिए, ठीक है। अगले 30 साल के बाद फिर दोबारा से आएंगे और फिर दोबारा से जो है देखेंगे वो कि आपने क्या निर्णय लिया या कहाँ तक आप पहुँचे, ठीक। तो यहाँ पर जो है अब हमको करना क्या चाहिए, 4 साल हैं आपके पास में, अभी 4 साल तक आप धन का अर्जन कीजिए। विपत्ति में सबसे बड़ा जो मित्र होता है वो धन होता है, ठीक है। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए अगले 4 सालों तक, क्योंकि एक बार शनि की साढ़े साथी शुरू हुई फिर पता नहीं क्या स्थिति बने, ठीक है। आपकी कुंडली के बाकी लग्न वगैरह देख के वो पता लगा सकता है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड 2025 तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक है। एक आपके पास में वो होगा। दूसरा क्या होगा कि जब शनि की साढ़े साथी शुरू होगी तो आप बजरंग बाण का पाठ सुबह कीजिए, और एक शनि का शाबर मंत्र है वो आप रोज सुबह कीजिए, और अपनी कुंडली में से एक ऐसा ग्रह ढूंढिए जो कि सबसे शानदार है, बेनिफिक है, सबसे ज़्यादा शानदार है, पॉजिटिव है आपके लिए, उसका भी एक जो है मंत्र ढूंढ लीजिए और उसका भी पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह सुबह, ठीक है। ये 3 जो है चीज़ें आपको हर प्रकार की मुसीबतों से बचाएंगी, और धन का साथ होगा, और ये 3 चीज़ें होंगी तो आप हर प्रकार से सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक कठिन यात्रा, तो मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि परखने वाली ज़रूर है, आपको आपके धीरज धर्म की परीक्षा जरूर लेगी ये वाली ये जो साढ़े साथी है। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।